क्या लग रहा है आपको, इतनी ताकत क्यों? घुसी में कमल खिलेगा, लेकिन घुसी में ताकत लगा रखी ऐसा नहीं है। जब भी कोई चुनाव हो, चाहे चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव में लगता है। और इस चुनाव में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, हमारे दूसरे उपमुख्यमंत्री साथी और कई हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य, सब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या मंत्री बाद में है, पहले भाजपा के कार्यकर्ता। चुनाव भाजपा लड़ती है, सरकार नहीं लड़ती है। और चुनाव भाजपा गठबंधन के साथ लड़ रही है और जीत रही है। 5 तारीख को मतदान है, आज प्रचार वहाँ समाप्त होने वाला है और 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। और श्री दारा सिंह चौहान जी, जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में पुनः वापस आए, भारतीय जनता पार्टी जाएगी। कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता बहुत निराश है क्योंकि 27 बार बोल चुके हैं विधानसभा में। उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने 27 बार बोल चुके हैं कि शिवपाल जी को हम साथ में लेके आएंगे, तो कहीं नहीं कहीं 2024 से पहले शिवपाल जी के आपके साथ में हो सकते हैं? मैं ऐसी कोई बातें नहीं करूँगा। इसके लिए कोई भी दूसरे दल का व्यक्ति कोई हमारे पार्टी के किसी नेता से संपर्क नहीं किया है। और दूसरा, ओम प्रकाश राजभर जी जो बोले हैं, उसका सवाल मुझे लगता है उनसे ही करना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन मित्र के जो मित्र हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, हमारे जो गठबंधन के 3 सहयोगी दल हैं, उनके साथ हम उत्तर प्रदेश में इतने मजबूत हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीत सकते हैं। यह सही है कि चाचा भतीजे के बीच में जो विवाद था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था, उसके बाद फिर समय शीत युद्ध चल रहा है। ये हम लोगों को पता है।